पाली जिले के रायपुर में जैतारण विधायक अविनाश गहलोत व रायपुर प्रधान कमला चौहान सहित कई जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों की मौजूदगी में राजसमंद जिले की भीम थाना पुलिस द्वारा निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर बाल मुंडा कर सरेआम बाजार में घुमाने का दुर्दांत व अमानवीय कृत्य के विरोध में रायपुर उपखंड अधिकारी राजेश मेवाड़ा को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि कट्टरपंथियों द्वारा कन्हैयालाल साहू की हत्या के विरोध में भीम में जो प्रदर्शन हुए, उन प्रदर्शन में पुलिस कांस्टेबल के साथ जो दुर्घटना हुई है उसका हमें बहुत दुख है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। पुलिस को इसकी गहराई से जांच कर न्यायालय से दोषियों को सख्त से सख्त कानूनी सजा दिलवानी चाहिए, मगर इस घटना के कारण समाज विशेष के लोगों को लक्ष्य करके निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस द्वारा अत्याचार करना उससे भी ज़्यादा निंदनीय है। राजसमंद जिले की भीम थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार लोगों के खिलाफ थर्ड डिग्री इस्तेमाल करके उसका सिर मुंडा कर सरेआम बाजार में समुदाय विशेष की बस्ती में घुमाया गया। उन लोगों से माफ़ी मंगवाई गई, उन गिरफ्तार लोगों को जलील किया गया। ज्ञापन में ये भी बताया गया कि पुलिस जांच एजेंसी है ना कि न्यायाधीश। अगर सभी जिलों में पुलिस अभियोजनकर्ता के साथ ही खुद न्यायाधीश तो पूरे राज्य में अराजकता का माहौल हो जाएगा जो अभी आपके ज़िले में हो रखा है। ये सभ्य समाज में बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है जिसमें यह कहा गया है कि भले 100 दोषी छूट जाएं मगर एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। आपकी पुलिस ने उन गिरफ्तार लोगों के विरुद्ध अमानवीय कृत्य करके उनके मौलिक अधिकारों का भी हनन किया है। हम सब आप इस अमानवीय बर्बर व अनुमानसिक कृत्य के दोषी पुलिस कर्मचारियों को बर्खास्त करके उनके खिलाफ न्यायिक जाँच करवाई जाए और जिन निर्दोष नागरिकों को बिना किसी सबूत के गिरफ्तार किया गया उन्हें रिहा किया जाए। ज्ञापन के दौरान जैतारण विधायक अविनाश गहलोत, रायपुर प्रधान कमला चौहान सहित कई ग्राम पंचायत के सरपंच सहित जनप्रतिनिधि सहित ग्रामीणजनों ने भाग लिया और भीम में हुई घटना को लेकर गहरा आक्रोश जाहिर किया। ये उदयपुर के अंदर पिछले दिनों जो अमानवीय घटना हुई, जेहादी तालिबानी सोच को जबरदस्ती बहुसंख्यक हिंदू समाज के ऊपर थोपने की जो कोशिश हुई उसका पूरा प्रदेश, पूरा देश और यहाँ से कि अपना विधानसभा क्षेत्र रायपुर पंचायत समिति के सभी लोग वर्तना करते हैं, उसके विरोध में आज हम यहाँ उपखंड मुख्यालय रायपुर पर धरना दे रहे हैं। इसके अलावा उसके बाद में जो भीम के अंदर जो घटना हुई, हमारे निर्दोष भाइयों को पुलिस ने जिस प्रकार से प्रताड़ित किया, उनको सरे बाजार घुमाकर एक समुदाय विशेष की गली में उनके मोहल्ले में घुमाकर उनसे माफ़ी मांगने के लिए मजबूर किया, उनके साथ में थर्ड डिग्री इस्तेमाल की, उनके साथ बहुत मारपीट की। जो लोग निर्दोष थे, जो चाय की थड़ी में बैठे थे, जिनको कोई मतलब ही नहीं था, कोई लेना देना नहीं था, उनके साथ भी पुलिस ने संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उनके पीछे पड़ी, किसी को गिरफ्तार कर लिया, किसी को गिरफ्तार करने के लिए पीछे पीछे पुलिस लगी हुई है। इस घटना की भी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। पुलिस के साथ में, प्रशासन के साथ में अगर किसी ने कोई गलत व्यवहार किया उसकी हम निंदा करते हैं, उसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई हो, लेकिन निर्दोष लोगों को जबरदस्ती ये तालिबानी सरकार फंसा कर उनके भविष्य को बर्बाद करना चाहती है, हिंदू समाज को डराना चाहती है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ कि अब वो समय नहीं रहा जब हम लोग डरने वाले किसी सूरत में नहीं डरेंगे और इस प्रकार की घटनाओं का पूरा डट के मुकाबला करेंगे। और हम सब लोग जितने भी हैं ये सब इस बात का विरोध करने के लिए ये आए हैं कि ये जो घटना हुई है बहुत तकलीफदेह थी, उसकी निंदा करते हैं, लेकिन निर्दोष हमारे युवाओं साथियों के साथ जो अत्याचार, उसकी भी हम लोग निंदा करते हैं। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो।